टू डिवाइड बाई थ्री। तो दोस्तों हम इसको चिन्ह के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, या आपको ये कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है। चलिए हम अपना डिवाइड करना शुरू करते हैं। दो में तीन का भाग देना है, तो देखिए भाग देने के लिए यह जो संख्या है हम जिसका भाग दे रहे हैं, यहाँ पे किसका भाग दे रहे हैं, तीन का। तो ये वाली जो संख्या है ये क्या होनी चाहिए, तीन से बड़ी होनी चाहिए, तभी आप भाग दे पाएंगे। क्या दो यहाँ पे तीन से बड़ी है? नहीं, दो क्या है, आपकी तीन से छोटी संख्या है, तो हम अभी भाग नहीं दे सकते। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट को देखिए लिखा जाता है जीरो के बाद, जीरो उसके बाद पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पॉइंट लगता है तो यहाँ एक आपका जीरो आ जाएगा। अब ये क्या बन गई, तीन से बड़ी संख्या बन गई। देखिए अब हम इसमें यहाँ पे भाग दे पाएंगे। तो भाग देने के लिए हमें क्या करना है, तीन का पहाड़ा याद करना है। एक त्रि त्रि बे त्रि छः, तीन त्रि नौ, चार त्रि बारह, पाँच त्रि पंद्रह, छः त्रि अट्ठारह, सात त्रि इक्कीस, आठ त्रि चौबीस, नौ त्रि सत्ताईस, दाया त्रि तीस। ओके, अब देखिए तीन का पहाड़ा हम कितनी बार बोले हैं, बीस आए या बीस से छोटी संख्याएं, ठीक है। यहाँ पे तीन का पहाड़ा बोला शुरू कर, एक त्रि त्रि बे त्रि छः, तीन त्रि नौ, चार त्रि बारह, पाँच त्रि पंद्रह, छः त्रि अट्ठारह, यानी बीस से बड़ी संख्या आते रुक जाना, छः त्रि अठारह, सात त्रि इक्कीस, ये क्या आ गई, बीस से बड़ी आ गई। क्या है, बीस से बड़ी है, तो हमें इससे पहले वाली जो बीस से छोटी है उतनी बार भाग देना है। कितनी बार गया, छः बार। ओके, जित छः बार पहाड़ा बोले पर हम यहाँ पर पहुँचे, यानी भाग छः बार गया। कितना आ गया, 18 आ गया। उसके बाद माइनस किया, 20 माइनस 18 कितना, 2 आ गया। पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ 0 आ जाएगा। फिर कितनी बार चला जाएगा, अगेन 20 है तो सेम ही जाएगा। फिर माइनस किया, अगेन 2 आ गया। पॉइंट लगा रखा है तो इसके आगे 0 आ जाएगा। फिर आपका 6 बार चला गया। ऐसे दोस्तों यहाँ पर यह आपका रिपीट होता जा रहा है, तो फाइनली हम इसको क्या कह देंगे, सेंस पर। और यह आपका यहाँ पर क्या बन गया, भागफल। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों हम जो अपना यहाँ पे डिवाइड करते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।